नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक भी करिए, और हम कुछ गलत बता रहे हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो जिनके पास नहीं है उन्हें पता नहीं होगी, मतलब उन्हें पता होगा ऐसा कुछ होता है पर उन्हें इसका अनुभव नहीं हो सकता। अब पहेली नहीं बुझा रहा, आज मैं एक रोग के बारे में बता रहा हूँ जिसे कहते हैं वर्णांधता। रंग अंधता भी कहते हैं लेकिन वर्णांधता सही, कलर ब्लाइंडनेस नाम है इसका अंग्रेजी में। लेकिन जैसा मैंने कहा अंग्रेजी में बहुत कुछ सामग्री नेटते हैं, हम हिंदी की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं अगर हिंदी शब्द है उसके लिए तब। दोस्तों तीन मूल रंग होते हैं, एक होता है, चलिए जरा ये काम उसी रंग की चौक से किया जाए, बिल्कुल वो रंग की चौक तो नहीं है उपलब्ध है पर जो है मैं आपको बताता हूं, लाल, दूसरा है नीला, ये आधारभूत रंग कहलाते हैं, इन्हीं रंगों से थोड़ा बहुत कम ज्यादा मात्रा मिलके बनते हैं बाकी रंग, और तीसरा है हरा। लाल नीला और हरा, आंखों के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आंख जो होती है आपकी इस आंख के अंदर आपके दो चीजें होती हैं, एक शंकु होते हैं यानी कॉन्स, और एक नलिकाएं होती हैं यानी रॉड्स। ये इनका जो मेल होता है ये आपकी आंख को रंगों को पहचानने में मदद करता है। तो अभी शुरू में पहली बुझाई थी, मैंने ये नहीं पता तो उन्हें पता ही लगेगा भाई। जैसे आप अगर कोई वर्णांधता है किसी में, मान लीजिए वो लाल रंग के लिए संवेदनशील नहीं है, उसके शंकु में यहाँ पे शंकुओं का मुख्य काम होता है, तो उसे ये पता ही नहीं लगेगा ना कि लाल रंग कैसा होता है। तो जिसे पता है उसे पता होगा कि लाल रंग कैसा होता है, जिसे नहीं पता है उसे कहेंगे तुम लाल नहीं देख सकते, तो जब उसने देखा ही नहीं तो उसे पता कैसे लगे। बस यही बात कहनी थी, शुरुआत थी वो पहली, अब मैंने आपको समझा दिया, आगे बताता हूं। इन तीन रंगों वर्णांधता के मामले में होता है, इन तीन रंगों में से किसी एक के प्रति ये शंकु संवेदनशील नहीं होते, यानी लाल के या नीले के या हरे के, इनमें से किसी एक के प्रति ये नहीं होते संवेदनशील। और जैसा मैंने आपसे कहा करीब करीब बाकी सभी रंग इन मुख्य रंगों से मिलकर बने, तो अगर कोई रंग है जिसमें ये रंग है, मान लीजिए लाल के प्रति नहीं है, तो लाल से मिलके कोई रंग बना है तो जो देखने वाला होगा उसे वो लाल रंग वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, उसे दूसरे रंग का प्रभाव दिखेगा। केवल चीज लाल रंग की है तो उसे काली दिख सकती है थोड़ी सी, है ना। तो इससे ये होता है कि उसके आंखों में सभी रंगों को पहचानने की शक्ति नहीं होती। रंगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष जो बनता है आकाश में, अगर कलर ब्लाइंड कोई है तो उसे ये सुंदर इंद्रधनुष इतना सुंदर नहीं दिखाई देता जितना उस व्यक्ति को जिसकी आंखें सभी रंग देख सकती हैं। तीनों में से किसी एक के प्रति भी संवेदनशील नहीं हुई तो उस रंग और उस रंग से मिलकर बनने वाले रंगों में उस रंग की उपस्थिति को वो महसूस नहीं कर पाती आंख, और फिर उसे वो रंग नहीं दिखाई पड़ता। और अगर उस रंग से मिलकर कोई रंग बना तो दूसरे रंग का प्रभाव दिखता है, वो रंग नहीं दिखता। ऐसे ही वजहें हम आपको बताते रहेंगे। आज हमने आपको वर्णांधता क्यों होती है ये बताया, और भी बहुत कुछ बताएंगे। हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।